स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में एक्सरसाइजेस करेंगे। तो क्या दिए हैं एक्सरसाइजेस, देख लेते हैं। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पर आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है किताब, तो किताब का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? किताब को और किस नाम से जानते हैं, और क्या नाम से हम पुकारते हैं? तो किताब को हम पुस्तक भी बोलते हैं। किताब, किताब का समान अर्थ वाला शब्द होगा पुस्तक। क्या होगा? पुस्तक। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? पुस्तक। नेक्स्ट है शेर। शेर का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? सिंह। क्या होगा? सिंह। क्या होगा? सिंह। तो शेर, सिंह। नेक्स्ट है बंदर। बंदर को और किस नाम से जानते हैं, और क्या नाम लेके पुकारते हैं? बंदर को हम वानर भी बोलते हैं। वानर, बंदर, वानर। ओके। नेक्स्ट है हाथी। हाथी को क्या कहते हैं? गज। हाथी, गज। नेक्स्ट है आकाश। क्या है? आकाश। आकाश समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? आसमान। आसमान, आकाश, आसमान। फिर से रिपीट करती हूँ। किताब, पुस्तक, शेर, सिंह, बंदर, वानर, हाथी, गज, आकाश, आसमान। तो सभी बच्चे समान अर्थ वाले शब्द सारे रिवाइज करेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे आ जाते हैं। करो, यहाँ पर हमें मिलान करना है, मतलब मैचिंग करनी है। तो पहले हम इस साइड के पढ़ेंगे शब्द, फिर इस साइड के पढ़ेंगे। तो देखिए क्या दिया है, रानी गाना। नेक्स्ट है कछुआ धीरे। नेक्स्ट है सीमा बाजार। नेक्स्ट है मैं दूध। नेक्स्ट है, मतलब इस साइड आ गए हम, पीता हूँ, गाती है, चलता है, जाती है। तो हमको मिलान करना है। जब भी आप मिलान करो, मैचिंग करो, तो दोनों साइड पहले आप रीड कर लो, जब आप इनको मिलाओ तो आप इजीली मिला पाओगे। तो रानी गाना, तो क्या आएगा? गाती है, ये तो नहीं आएगा, चलता है। रानी गाना गाती है, तो कहाँ से कहाँ मिलाओगे? गाती है पर मिलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कछुआ धीरे। कछुआ धीरे चलता है, कहाँ मिलाओ? कछुआ धीरे चलता है। कछुआ धीरे पीता हूं तो नहीं आ सकता, या जाती है तो नहीं आ सकता, तो कछुआ धीरे चलता है। नेक्स्ट सीमा बाजार जाती है, कहाँ मिलाओगे? जाती है। नेक्स्ट है मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। ओके, रानी गाना गाती है, कछुआ धीरे चलता है, सीमा बाजार जाती है, मैं दूध पीता हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पहचान कर लिखिए। यहाँ पर आपको वचन पहचानना है। यहाँ पर मैंने हिंदी भी दे दी है और इंग्लिश भी दे दी है, मतलब आपको दोनों में लिखना है। मतलब हिंदी दी है तो हिंदी में आपको वचन पहचान के लिखना है, इंग्लिश दी है तो इंग्लिश में आपको वचन पहचान के लिखना है। तो हिंदी पे पहले आ जाते हैं हम, आंखें। तो आंखें एक वचन है या बहुवचन है? तो आंख तो नहीं है, आंखें हैं, आंख बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन, ठीक है। घड़ियां, तो एक घड़ी तो नहीं है, आपको बहुत सारी घड़ियों की बात हो रही है, घड़ियां बोल रहे हैं हम, तो ये बहुवचन है। क्या लिख दोगे आप? बहुवचन, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट करिए, लिखिएगा, रॉन्ग मत लिखिएगा। नेक्स्ट है अंगुली। क्या है? अंगुली, तो एक फिंगर की बात हो रही है, एक उंगली की बात हो रही है, तो इसलिए ये एक वचन हुआ। क्या हुआ? एक वचन। अब हम इंग्लिश पे आ जाते हैं, मैंगोज। मैंगोज में वचन को बोलेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मैंगो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो मैंगोज तो हमारा ईएस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल हुआ, तो आप क्या लिख दोगे? प्लूरल। प्लूरल की स्पेलिंग सभी बच्चे याद कर लेंगे, PLURAL, प्लूरल। नेक्स्ट है एग। एग हमारा प्लूरल है सिंगुलर है? तो एग में एस तो लगा नहीं है, तो ये हमारा सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर की भी स्पेलिंग याद कर लेंगे, SINGULAR, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है कार। क्या है? कार, तो एस तो लगा नहीं है, तो एक कार हो गई, तो ये सिंगुलर हुआ, तो SINGULAR, सिंगुलर। ओके, तो आंखें बहुवचन, घड़ियां बहुवचन, अंगुली एक वचन। अब इधर आ जाते हैं मैंगोस, प्लूरल, एग सिंगुलर,
कार सिंगुलर। ओके, तो ध्यान से करिएगा सभी बच्चे, गलतियां मत करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।